मैं और रणबीर कॉरिडोर में थे, फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे फोर्सफुली रूम में खींचा। कितने बड़े झूठी हो तुम। मैंने तुम्हें देखा था रणबीर के आसपास मंडराते हुए, और तुम क्या बोल रही हो नौटंकी? बोल दो कि मोलेस्टेशन लड़की का हुआ है। और ये जो इस लड़की की हालत हुई है वो भी इसने खुद ने की है। तुम जैसी लड़कियां ही लड़कियों की दुश्मन होती हैं। बदतमीजी से बात मत करना, पार्टी में मैं थी तुम नहीं। सर, मैं रणबीर को बचपन से जानती हूँ, रणबीर ऐसा कुछ नहीं कर सकता, वो किसी को हाथ नहीं लगा सकता। ये लड़की भी थी वहाँ पे, इसने सब कुछ देखा इंस्पेक्टर। सर, रणबीर एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। सर, उसने कभी किसी लड़के के साथ मिसबिहेव तक नहीं किया। मॉलेस्टेशन तो दूर की बात, मैं उसे बचपन से नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर कह सकती। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसकी फैमिली तो उसे बचपन से जानती है ना। जब उन्हें नहीं पता कि उनका लड़का लड़कियों के साथ बाहर क्या करता है, तो तुम्हें कैसे पता होगा? मैं वही तो कहने की कोशिश कर रही हूँ। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, कोर्ट में साबित करो कि वो ऐसा लड़का नहीं है। जब कोर्ट में बुलाएंगे तब बताना, हमें हमारी इन्वेस्टिगेशन करने दो। ठीक है, तो हम रणबीर को अपने साथ घर ले जाएंगे। आपको जब भी इन्वेस्टिगेशन करना हो हमें बताइएगा, हम रणबीर को पुलिस स्टेशन भेज देंगे। नहीं इंस्पेक्टर, उसको मत छोड़िएगा, वरना वो मुझे मार डालेगा। सुना आपने? और समझ भी लिया, ये लड़की झूठ बोल रही। मतलब उसके आंसू झूठे हैं, उसकी हालत झूठी है, उसके कपड़े झूठे हैं। सिर्फ सच्चा है तो आपका बेटा रणबीर, जो उस कमरे में नशे की हालत में था। नशे में होने का इस केस से क्या लेना देना? मोलेस्टेशन के आधे केस नशे की हालत में ही होते हैं। तो इसका मतलब? मतलब मुझे कुछ नहीं पता, आप लोग जाइए यहाँ से, वरना पुलिस के काम में इंटरफेयर करने के जुर्म में मैं तुम्हें अंदर कर दूंगा। अभी नहीं, हम लोग रणबीर को छुड़ाने आए, लड़ने नहीं आए। अरे ठीक है, अरे कुछ और करते हैं यार, चल। आप उसे अंदर रख के दिखाइए, मैं छुड़ा के दिखाऊंगा। कमलेश। हाँ सर। माया जी को घर पे छोड़ के आओ। आइए मैम। क्या आप सच में नशे में थे? आपको क्या लगता है, क्या आप सच में बेकसूर हैं? लड़की का बयान आपके अगेंस्ट है, अब क्या करेंगे आप? मुझे कोई बात नहीं करनी, प्लीज जाइए आप। चलिए आप लोग। चलो बाहर, चलो। चलिए बाहर, चलिए। जल्दी चलिए, चलिए जल्दी करिए, चलिए आइए, प्लीज बाहर चलिए। सब कितने परेशान हैं यार, मॉम पे क्या गुजर रही होगी। बस कर पल्लू, बस कर, की कर रही है तू? अरे तू माँ है उसकी, तुझे तो उस पर पूरा विश्वास होना चाहिए ना, और तुझे तो हम लोगों को हिम्मत बंधानी चाहिए, और तू खुद रोए जा रही है। ऐसे कैसे चलेगा पुत्र? अरे कुछ नहीं किया रणबीर ने, विक्रम उसे अभी लेके आता ही होगा। जी बहुत डर लग रहा है मम्मी जी। मैं क्या हुआ? अरे क्या हुआ, कहाँ है रणबीर, कहाँ है? बाहर खड़ा है ना, आप दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रहे? रणबीर कहाँ है बताइए मुझे। पल्लवी, वो रात हो गई थी इसलिए जज ने आज बेल नहीं दी। तो जज की क्या जरूरत है, मेरा बेटा इनोसेंट है, जज की कोई जरूरत ही नहीं है, वो जेल में क्यों बंद है? वो विक्रम, आपको एक बार बोलना चाहिए था इंस्पेक्टर को कि एक बार बस रणबीर की आंखों में देखे, वो मासूमियत झलकती है उसकी आंखों से, आपने क्यों नहीं कहा कुछ? आपको जेल में क्यों है? पल्लवी, लिसन, रिलैक्स, लुक एट मी, लुक एट मी। रणबीर ऐसा है, ये हम जानते हैं ना, लोग तो नहीं जानते, खास करके पुलिस, वो अपने तरीके से चलती है। हमें अगर रणबीर को छुड़ाना है हमें उनके तरीके से चलना होगा। But I promise you, रणबीर कल तक घर आ जाएगा वापस। I promise you। पक्का ना? पक्का बीजी, मैं बोल रहा हूँ आपसे। मोलेस्टेशन का केस है, रणबीर के लिए बाहर आना इतना आसान नहीं होगा। अब इस पर भरोसा करो, अब इतने रात को रोने से क्या होगा? Just relax everyone. He'll be fine, okay? Yeah. I promise you. Yeah. All right? Come on, let's have sex. Come. चाचू, बूजी का है? वो अपने रूम में। Okay, thank you. त्योहार के दिन ये सब हो गया। रणबीर लॉकअप में है और प्रज्ञा दी को आलिया ने इतना कुछ, सब परेशान है।
दोनों इतना प्यार करते हो मुझसे और तुम्हारी बहन क्यों नहीं प्यार कर सकती मुझसे? मैं उसे उसके हक का प्यार नहीं दे पाई, इसके बदले में उसकी नफरत। जब मुझे पता चला कि वो वहां है, मेरा मन किया उसे गले से लगा लूं और बोल दूं कि एक ऐसा दिन नहीं है 20 साल में जब मैंने उसे याद नहीं किया। उसका एक बर्थडे नहीं है जब मैंने उसके लिए गिफ्ट नहीं खरीदा। सब संभाल के रखा है इस उम्मीद से कि जब मिलेगी तो सब सारे गिफ्ट सारा प्यार एक साथ दे दूंगी, लेकिन वो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। मैं नहीं मिलूंगी उसे, नहीं मिलूंगी जब तक वो मुझसे खुद नहीं कहती कि वो अपनी माँ से मिलना चाहती, अपनी माँ के साथ रहना चाहती। मैं नहीं मिलूंगी उसे, नहीं मिलूंगी मैं। सॉरी, वो मेरा सर दर्द कर रहा था ना, इसलिए जल्दी जल्दी निकल गई। मैं पानी लेकर आती हूँ। अच्छा क्या मासी, आप नहीं आई? बहुत टेंशन हो गई थी, हमने एंजॉय भी नहीं किया। जाना, क्या बोल रही? क्या बोल रही हूँ? सही तो बोल रही हूँ, रणवीर को पुलिस ने अरेस्ट नहीं कर लिया क्या? एक लड़की है माया, जिसने रणवीर पे मोलेस्टेशन का इल्जाम लगाया। मोलेस्टेशन? रणवीर, उसे फंसाया जा रहा है। मुझे नहीं लगता रणवीर ऐसा कुछ कर सकता है। मासी सही कह रही है, और मुझे तो लग रहा है उसी ने किया है जिसने प्राची को बदनाम किया था। संजू नहीं, संजू भाग गया था, वो वापस नहीं हो सकता। उसका कोई साथी, रणबीर ने किसी को देखा जो, मुझे रणबीर से पूछना चाहिए ये सब। मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ। माँ मैं भी चलती हूँ आपके साथ, चलो हम तीनों चलते हैं। नहीं, तुम लोग प्लीज यही रुको, तुम लोग इतनी रात गए पुलिस स्टेशन जाओगे अच्छा नहीं लगता। दरवाजा बंद कर लेना बस। आप, मैंने कुछ नहीं किया है। I'm innocent। मुझे पता है, मैं जानती हूँ तुमने कुछ नहीं किया है। And that's your innocent। मैं बस ये कहने आई हूँ कि कभी कभी जिंदगी में हमें अपनी अच्छाई की कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन ऐसी ही मुसीबतें हमें जिंदगी में और मच्योर बनाती हैं। तुम ये सोचकर दिल छोटा मत करो ना कि लोग क्या सोचेंगे। तुम्हें तो ये सोचकर अपनी हिम्मत बढ़ानी चाहिए कि तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे साथ हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपको पता है, आपको यहाँ देख के मैंने सोचा मैं आपको ये बोलूंगा कि यहाँ पे आप क्यों आए, पर I'm glad आप यहाँ आए। मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। घबराने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहना पड़ेगा। हम सब जानते हैं उस लड़की से गलती हुई है। I just hope कि उस लड़की को रियलाइज हो जाए कि उससे गलती हुई है। रियलाइज होगा, और अगर उसे नहीं हुआ तो हम करवाएंगे। वो अपनी गलती माने या ना माने, प्रायोरिटी इज कि तुम्हें यहाँ नहीं रहना है। कुछ भी करके तुम्हें लॉकअप से तो बाहर निकलवाएंगे पहले। इतना भरोसा है मुझ पे? है, और इसलिए नहीं कि तुमने मेरी बेटी की मदद की है, इसलिए क्योंकि तुम्हारी आंखों में तुम्हारी सच्चाई नजर आती है। प्राची को भी इतना भरोसा है मुझ पे? हाँ, प्राची को भी इतना ही भरोसा है तुम पे। पता है क्या होता है, अक्सर हम लड़के ना कुछ भी गलती करें उनको माफी मिल जाती है, सब भूल जाते हैं। इनफैक्ट मेरे खुद के पेरेंट्स, अगर कहीं में मेरी गलती होती ना तो वो एक बारी को भूल जाते, मुझे जैसे तैसे निकाल लेते। जितना भरोसा और जितना ट्रस्ट आपने और प्राची ने मुझ पे दिखाया है, मुझे नहीं लगता मैं कभी रीपे कर पाऊंगा। थैंक यू सो मच। परेशान मत हो, और थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। यहाँ से बाहर निकलोगे तो कॉफी पिला देना। किसको? आपको या प्राची को?
सब ठीक हो जाएगा। आरिया मैं आ गई। बोलो पूजी, मैं आपका कब से वेट कर रही हूँ, आप कहाँ थे? सॉरी बेबी, वो थोड़ा सा पूजी, रणबीर अभी भी पुलिस स्टेशन में है। आई नो बेबी, और पता है वहाँ पे सबके बयान लिए गए, पर मुझसे किसी ने नहीं पूछा। मैं अपना पॉइंट रख ही नहीं पाई। मैं कहना चाहती थी कि रणबीर कितना अच्छा है, कितना सेल्फलेस है, और वो ये सब नहीं कर सकता, पर किसी ने पूछा नहीं। आपको पता है पूजी, वो प्राची, हाँ मैं लगा था कि वो सब कुछ कहेगी कि हमारी बातों में आ जाएगी, रणबीर को बुला बुला कहेगी, बट ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। उसने रणबीर की साइड ली, उसने रणबीर के लिए बोला कि आई ट्रस्ट हिम, एंड कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, रणबीर ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ओह माय गॉड, कैन यू बिलीव इट, हमारा प्लान फिर से फेल हो रहा है। मुझे आई नो हमने ये सब कुछ नहीं सोचा था, लेकिन दैट्स ओके। और जहां तक कि प्राची का सवाल है, हो सकता है कि वो एक्चुअली में रणबीर के अगेंस्ट ही हो, लेकिन रणबीर ने उसके लिए इतने सारे फेवर किए हैं, तो बस उसे वो सपोर्ट कर रही हो इसलिए ताकि वो फेवर लौटा सके। बट डोंट यू वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अभी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या करेंगे पूछ? ओके, कल विक्रम और भाई रणबीर की बेल कराने जाएंगे। डोंट वरी, इट्स अ बेलेबल ऑफेंस, ही विल बी आउट। जब वो बेल लेकर वापस आ रहा होगा, तुम्हें जाकर माया से बात करनी होगी। क्या बात करूंगी जाके? जो मैं तुम्हें कहूंगी। वो ये सब करेगी? ऑफ कोर्स करेगी, जो भी मैं बोलूंगी उसे करना ही पड़ेगा। जब रणबीर बेल लेकर वापस आ रहा होगा, तब हमारा सेकंड फेज चालू होगा। हेलो सर, ये बेल के पेपर्स है, कोई आईपीएस एग्जाम के पेपर्स नहीं है जो इतना रट रहे हो, ठीक है? कर दिया ना डिस्टर्ब, तोड़ दिया कंसंट्रेशन, अब मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा। ओए लिसन यू, स्टार्टिंग से मैं पढ़ा। तूने प्रॉमिस किया था तू जेनेमिक्स, नो आर्गुमेंट्स प्लीज। बहुत जल्द बिल मिल रही है कमलेश। हां साहब, लड़के को लेकर आओ। कुछ सिखाई अपने बेटे को, आपका बेटा है ना, सिखाइए कि लड़कियों से कैसे बात करते हैं। इंस्पेक्टर, मेरा लड़का लड़कियों की इज्जत करना जानता है, ओके? ही नोज हाउ टू बिहेव विद गर्ल्स। आप जैसे माँ बाप ने ही अपने बच्चों को बिगाड़ के रखा है, ना कोई संस्कार देते हैं और ना कुछ सीखने देते हैं, और रिजल्ट कोर्ट कचहरी के धक्के। एक परमानेंट लॉयर रख लीजिए अपने बेटे के लिए, लाइफ में जरूरत पड़ती रहेगी। लगता है मेरा प्रॉमिस टूट जाएगा। मेरे सब्र का बांध भी टूट जाएगा, इतना गुस्सा दिला रहा ना ये। तो सुनिए, गुस्सा आ रहा है ना, और सच ये है कि आपका बेटा क्रिमिनल है और उसे सजा होके रहेगी। लॉ एंड ऑर्डर संभालते ना। लॉ एंड ऑर्डर का LB पता है आपको? क्या कहता है लॉ, बताइए मुझे, लॉ कहता क्या? लॉ कहता है कि जब तक आप किसी के क्राइम को प्रूव नहीं कर देते, आप उसे क्रिमिनल नहीं बुला सकते। रणबीर पे सिर्फ ब्लेम लगा है, ये प्रूव नहीं हुआ है कि उसने मोलेस्ट किया, और मैं जानता हूँ वो ये सब नहीं कर सकता। लॉ एंड ऑर्डर से नहीं कह रहा हूँ, एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। आप जैसे बड़े लोगों को ऐसे केस से तकलीफ हो सकती है। तकलीफ मतलब क्या, धमकी दे रहे क्या आप? मिस्टर कोहली, हमें कोई बहस नहीं करनी है। Thanks, Dad. मिल गया अच्छे से? कुछ बचा तो नहीं ना? मैं जरा इंस्पेक्टर साहब को थैंक यू बोलकर आया, तुम लोग चाहोगे? चल। इंस्पेक्टर साहब, तो क्या कह रहा था कि रणबीर जो है ना, वो मोलेस्ट कर ही नहीं सकता, वो गिल्टी नहीं है। अगर वो गिल्टी होता ना तो मुझे पता चलता, और मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मुझे वो पसंद है, आई लव हिम, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, वो ये सब कर ही नहीं सकता। इसलिए एक सलाह दे रहा हूँ आपको, उस लड़के को ना इस केस में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वरना आपको बहुत तकलीफ होगी। थैंक यू सर, चलता हूँ। एक तो इसका फोन ना उठाने की आदत ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। गाड़ी वहां पार्क करती हूँ, अगर यहाँ पे किसी ने गाड़ी देख ली तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या है, कभी डोरबेल कभी ये फोन।
hell you're not picking up my phone? Are you mad? तुम्हें समझ में नहीं आता है, मैं बिजी होंगी इसलिए फोन नहीं उठाया। तुम बिजी हो? क्यों, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर तुम ही हो या फिर बॉयफ्रेंड छुपा रखा है? देखो मुझे ना तुम रेस्ट करने दो, कल मैंने इतना सारा नाटक किया रोने का, इसलिए मेरी आईज दुख रही है। तो तुम अब एक काम करो, जो भी तुम्हें काम है ना उसके लिए तुम कल आना, ठीक है? लिसन, जस्ट हियर मी आउट, तुम्हारे ही फायदे की बात है, क्या पता सुनने के बाद तुम्हारी नींद भी उड़ जाए। व्हाट? तुम्हें मरना होगा, यू विल हैव टू डाई। हैव यू लॉस्ट इट? मैं क्यों मरूंगी? पागल वागल हो क्या? डूड प्लीज निकलो यहाँ से, तुम बहुत हो गया तुम्हारा, निकलो अभी निकलो। कभी लाइफ में तुम्हें किसी ने सिखाया है कि पहले सुन लेना चाहिए रिएक्ट करने से पहले? पर तुम जो कह रही हो ना उसे ना सुन के कोई नहीं करेगा ऐसा। डूड तुम कह रही हो मरने के लिए? आर यू गॉन क्रेजी? लिसन मैं कह रही हूँ तुम्हें असली में नहीं मरना है, यू हैव टू एक्ट जिससे दुनिया को लगे कि तुम मर चुकी हो, बट यू स्टिल अलाइव माय डार्लिंग। मरने की एक्टिंग? एग्जैक्ट, मरने की एक्टिंग। तुम्हें सिर्फ दुनिया के सामने, नो 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 नो, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग अ रॉन्ग वर्ड, इट्स तुम्हें सुसाइड का ढोंग करना पड़ेगा, अ ड्रामा। लिसन द थिंग इज कि प्राची रणबीर का सपोर्ट अभी भी कर रही है, जो उसने पुलिस स्टेशन पे स्टेटमेंट दिया है वो रणबीर के सपोर्ट में दिया है, और ये जानना तुम्हारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर उसका यही स्टेटमेंट रहता है तो तुम गलत साबित हो जाओगी, रणबीर को बुरा बनाने की जगह तुम बुरी बन जाओगी। मैंने तो सोचा था कि ये सब जानने के बाद प्राची खुद कहेगी कि हाँ वो माया के साथ फ्लर्ट कर रहा था, उसका हाथ पकड़ रहा था और वो ही उसको रूम में लेके गया, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं चाहती थी कि वो लोगों को कहे कि रणबीर ने ही मोलेस्ट किया, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ माया, पूरा प्लान उल्टा हो गया। तो यू नो व्हाट, अब हमें क्या करना है? अगर तुम चाहती हो कि तुम बच जाओ, उसके लिए तुम्हें सिर्फ एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, प्राची का ट्रस्ट तोड़ना पड़ेगा। आई मीन जस्ट अक्यूज हो से कि तुम एक लड़की होने के बावजूद एक लड़की का सपोर्ट नहीं कर रही हो, अगर तुम्हारे साथ ये चीज हुई होती तो तुम क्या रिएक्ट करती? एंड से कि तुम इस झूठ के साथ नहीं रह सकती इसलिए तुम सुसाइड कमिट करना चाहती हो, यू डोंट वांट टू लिव विद दैट, क्योंकि सब झूठ बोल रहे हैं और इसलिए तुम्हें लोग ऑनेस्ट समझेंगे कि तुम सच्ची हो, और सडनली प्राची के अंदर का जो सेल्फ गिल्ट है ना वो बाहर आ जाएगा और फिर वो तुम्हारा साथ देगी, एंड ऐसे हमारा प्लान कामयाब हो जाएगा। उसके सामने सुसाइड की एक्टिंग करना, एंड आई एम श्योर वो तुम्हें बचा लेगी, डोंट वरी, वो बहुत महान औरत है, वो सबको बचा लेगी, तुम्हें भी बचा लेगी, पर तुम एक्टिंग करना जिससे उसको लगे कि तुम सच्ची हो। नहीं, मैं मरने वाले की एक्टिंग नहीं करने वाली। सिट डाउन यार, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? तुम्हें पैसे दे रही हूँ ना, और तुमने जितने पैसे मांगे उसके डबल दे रही हूँ। क्या बताया था, तुम रहती किधर हो? सुंदर नगर विला 78। डैड, मैं स्टॉप द कार। डैड, एक सेकंड, गाड़ी रुका लो। अरे क्या बात है? मैं बताऊंगा आपको। एक सेकंड, आप बाहर मत आओ। अरे आप यही रहो। क्या हुआ बेटा? ये डैड, मुझे अंदर जाना है, मुझे आई हैव टू गो। क्यों जाना है अंदर? यहां माया रहती है। माया से क्या काम है तुम्हें? चलो घर पे। क्या माया से मुझे पूछना है उसने ऐसा क्यों किया? आई एम सॉरी डैड, बट आई प्लीज आप अंदर रहो। रणबीर, रणबीर रुक, रणबीर, रणबीर। ये रणबीर कहां जा रहा है? ये रणबीर का क्या? ये अंदर गया, वो माया यही रहती है ना, तूने उसे जाने दिया? अरे मैं क्या करूं अभी यार, वो जिद करने लगा, मुझे उसे पूछना है कि उसने ऐसा क्यों किया। इसलिए मतलब क्या है कि रणबीर पूछेगा और माया बता देगी? तू भी ना यार, जाने क्यों दिया तू उसे? वो फिर से अरेस्ट करवा देगी रणबीर को। अरे तू भी ना अभी। और अगर प्राची ने मुझे नहीं बचाया तो? सुसाइड अगर एक्सीडेंट में बदल गया तो? एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम कंट्रोल करोगी ना सब? तुम उधर खड़ी रहने वाली हो? प्लीज, ये ना बहुत बकवास आइडिया है, तुम ना निकलो यहाँ से। हो सकता है मैं यहाँ रहती हूँ ये तो कोई नहीं जानता। कहीं तुम्हारा बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड तो नहीं आ गया? तुम एक काम करो, तुम छुप जाओ, जाओ। लिसन, मैं नहीं छुप रही, मैं देखने वाली हूँ कौन है।
रणबीर तुम क्यों किया मेरे साथ तुमने सब? सच सच बताओ मुझे तुमने क्यों किया? मैं तुम्हें जानता भी नहीं था, मेरी दुश्मनी क्या थी तुमसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? तुम जाओ यहाँ से वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। पुलिस को? मैं अरे रणबीर कब से तेरा फोन ट्राई कर रहा था? फोन ही लग रहा था जूस पे। मैंने तुम्हारे साथ सिर्फ जूस पिया था याद है? अरे मैंने मुझे तुझसे पुलिस बात करनी है। अरे चीप बात अंडरस्टैंड नहीं, किसके कहने पे मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? मैंने तुम्हारा हाथ पढ़ा, हम तो बात कर रहे थे ना। अरे मैं बता तो क्या बिगाड़ा, दरवाजा बंद कर, तो मुझे बहुत अर्जेंट बात करना। चल तू तू मेरे साथ जूस। ओ लॉर्ड, ओ गॉड, क्या कर रहा हूं? चीप प्लीज लेट मी गो, मुझे आई वांट टू टॉक टू माया। उसने ये सब जानबूझ के किया, आपको पता है ना? आई बी लॉट्स पे। मैं उससे पूछ, पता है उसने जानबूझ के किया है ये सब कुछ? बट यू स्टे अवे फ्रॉम हर, शी इज बैड न्यूज फॉर यू, ऑलराइट? वो तुझे फसाना चाहती है, उसकी हर बात झूठ है और हर मूव एक प्लान। डू यू अंडरस्टैंड दैट? अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई आई वांट टू आस्क, उसने क्यों किया, किसके कहने पे? मेरी रेपुटेशन खराब भाई। जरा तू पूछेगा और बता देगी कि उसने ऐसा क्यों किया? पागल हो गए क्या? एकदम, शी इज अ स्मार्ट गर्ल, ऑलराइट? अगर तुझे तुझे उसे छुटकारा पाना है ना, तो तुझे भी स्मार्ट होना होगा। आई नो तुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे भी आ रहा है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख। कब से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं इसको यार। अरे तू समझा क्यों रहा है? हाथ पकड़ के रोक नहीं सकता है? तू जानता है बच्चा है, ये दुनिया देख रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है। हम सब कुछ देख चुके हैं, हमें पता है रास्ते में कब पत्थर आएगा और कहां डेड एंड। मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर ऊपर से एक केस खत्म हुआ है, दूसरा लग जाएगा। अगर वो लड़की ये झूठ बोले कि तूने तूने उस पर फोर्स किया, प्रेशर डाला कि वो अपना केस वापस ले ले, तब क्या करेगा तू?